हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। हमारी जो टिकट है मेरे फ्रेंड की वो बुक हो चुकी है और आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रोसीजर लगा, कहां से आप टिकट्स के रेट को जो चेक कर सकते हैं और लास्ट में एक एजेंट का नंबर भी है, आप उसको भी कॉल करके कॉन्टेक्ट करके टिकट का प्राइस वगैरह पूछ सकते हो। टिकट करवाना है ना करवाना वो आपकी मर्जी है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया हुआ था कि हमारा जो वीज़ा है वो 4 मई को आ चुका है और हमने जो टिकट बुक करवाई है वो करवाई है जाके 25 मई को। तो हमें टोटली 10 to 15 days लग गए थे ये सारा प्रोसीजर करने में, टिकट बुक करवाने में। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका वीज़ा आता है आप उसी दिन ही टिकट को बुक करवा लीजिए, क्योंकि जो टिकट के प्राइजेस हैं सितंबर टेक के लिए स्पेशली वो इतने हाई जा चुके हैं कोई हिसाब नहीं। अभी जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसकी जो टिकट मिल रही है वो मिल रही है 1,50,000 के अराउंड। और ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन की हमने पता किया था सारा और उसकी टिकट बुक करवाई थी, मतलब कि 25 मई। और ये प्राइस आगे आगे जाके और हाई ही होंगे, लो आने की इनकी कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी फ्लाइट इज बुक एंड उसके अंदर कुछ कुछ सीटें हैं जो निकलती हैं डेज के हिसाब से और उनके प्राइस यहाँ तक ही रहने वाला है। तो गाइज, अभी आपका जो अगर वीज़ा नहीं आया हुआ तो आप अभी से ही एजेंट से बात करनी चालू कर दो और एजेंट को सिलेक्ट करके रखो कि आप कौन से एजेंट से टिकट बुक करवाओगे। आई नो कि प्राइजेस हर दिन चेंज होते हैं, लेकिन आप कम से कम 4 या 5 एजेंट ऐसे रखो जिनसे कि आप अपनी टिकट बुक करवा सकती हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको रेट्स का पता चल जाएगा, हर एक एजेंट जो है वो अलग अलग रेट बताएगा आपको, तो आप इससे इजीली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो वो एजेंट रेट बता रहा है वो जेन्युइन रेट भी है या नहीं है और वो अपनी कमीशन उसमें से कितनी ले रहा है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि हमने टिकट के प्राइसेस आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। एक तो आप खुद भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद बुक करवानी है तो इसमें एक यही चीज़ मेरे को एजेंट ने समझाई थी किसी ने, वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन जो ऑनलाइन प्राइजेज होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो एजेंट्स के पास प्राइजेज होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एजेंट से करवाएं, ना कि ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन पहले किसी एजेंट से पता जरूर करें, बिकॉज कि एजेंट्स के पास जो टिकट्स आती हैं उनके प्राइस एज कम्पेयर टू दी ऑनलाइन कम होते हैं। अगर आप अभी भी ऑनलाइन पे गूगल फ्लाइट्स पे जाके चेक करोगे या मेक माई ट्रिप पे चेक करोगे या एग्जोबो पे चेक करोगे, तो मैंने इन तीनों से ऑनलाइन प्राइजेस चेक करके उसी के बाद ही मैंने किसी एजेंट से कॉन्टेक्ट किया था और एजेंट से बात करके प्राइजेस को कन्फर्म किया था। और मैंने जितने भी एजेंट से बात की मैंने ये पाया कि वहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो एज कम्पेयर टू दी ऑनलाइन प्राइजेस काफ़ी कम है। हाँ, और जो ऑनलाइन प्राइस होता है उसमें GST कवर नहीं होती और टैक्सेस कवर नहीं होते, वो सीधा फ्लाइट का प्राइस होता है। उसके बाद भी आपके वो टिकट के अंदर GST और अदर प्राइजेस इंक्लूड होते हैं। अगर आपको कोई ऑफर भी मिलेगी तो वो मैक्सिमम आपको 2,000-5,000 तक मिलेगी, इससे ज़्यादा कोई भी ऑनलाइन आपको ऑफर नहीं मिलती। तो आई हाईली रिकमेंड कि किसी एजेंट से करवाएं, और मैं यहाँ पे एजेंट का नंबर भी डाल दूंगा, यहाँ पे अभी लिखा आ रहा होगा। आप इस एजेंट को बात करके इससे पता कर सकते हैं कि टिकट के प्राइसेस क्या हैं, आपने टिकट करवानी है या नहीं करवानी वो आपके ऊपर डिपेंड है। एंड तो गाइज, अभी बात करते हैं कि हमने अपनी टिकट बुक कर कैसे करवाई। हम 4 मई से लग गए थे, जिस दिन पासपोर्ट स्टैंप होके आया उस दिन के बाद से ही 14 को हमारा पासपोर्ट स्टैंप होके आया और उसी दिन से हम लग गए कि अब कैसे हमने टिकट बुक करवानी है। हमने अलग अलग 8-10 एजेंट से बात की, फ़ोन पे बात की, वहाँ पे जाके उनको विजिट भी किया। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि डेली जो है वो प्राइजेस रेज हो रहे हैं, और इससे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी क्योंकि जिस दिन 4 मई को जिस दिन वीज़ा आया उस दिन जो डायरेक्ट फ्लाइट का रेट था वो था 1,06,000 रुपीज़। और आप इमेजिन कर सकते हैं 25 मई तक जाते जाते कितने दिन लग गए, 5 to 15, 10, और 20 days के अंदर अंदर ही 50,000 रुपीज़ रेज ज़्यादा हो चुके थे। 1,50,000 रुपीज़ की जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो हो चुकी थी। और अभी बात करते हैं डायरेक्ट फ्लाइट की और इनडायरेक्ट फ्लाइट की। मैं खुद डायरेक्ट फ्लाइट के लिए ही सहमत था कि डायरेक्ट फ्लाइट ही होनी चाहिए, यहाँ से सीधा दिल्ली से बैठेंगे और सीधा टोरंटो जाके उतरेंगे। लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट में जो एक सबसे बड़ा पंगा आ रहा है वो ये आ रहा है, एक तो कॉस्टली है, उसकी तो चलो फिर भी बात मान सकते हैं कि कॉस्टली तो होगी, डायरेक्ट फ्लाइट है, लेकिन उसमें एक लगेज है जो कि बहुत ज़्यादा अनफेयर है फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी 3 साल के लिए 5 साल के लिए कनाडा जाना है और कम से कम 1 साल तो वहाँ पे ऐसा हमने बिताना ही है जहाँ पे कि हम यूज़ करेंगे कि हम कम से कम शॉपिंग करें ताकि हम जो अपनी फीस है उसको उतार सके।
बट ये करना काफी मुश्किल हो जाएगा जब आप एक लगेज लेके जाएंगे, क्योंकि एक लगेज में आप अपने थोड़े से ही कपड़े लेके जा सकते हैं। यूटेंसिल्स तो आप भूल ही जाओगे लेके जा पाओगे, क्योंकि उन सबका वेट होता है, और 23 kg का एक बैग इज इनसफिशियंट फॉर ए स्टूडेंट। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो फ्लाइट बुक करेंगे वो करेंगे इनडायरेक्ट फ्लाइट थ्रू इथोपिया, एंड इथोपिया एयरलाइन की ये फ्लाइट है जो कि हमें पड़ी है 1,06,000 rupees की। अब इस फ्लाइट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है। इथोपियन एयरलाइन जो है, मैंने उसके बारे में भी यूट्यूब से व्लॉग देखे थे, जैसे कि आप मेरा अभी व्लॉग देख रहे हो। वहां पे उन्होंने बताया था कि काफी अच्छा सिस्टम है, और इसकी जो एक बेस्ट चीज है जो हमने ये चूज की वो एक तो ये है कि इसमें जो हमें स्टे मिलता है वो 8 hours का मिलता है, जो कि एक बैड साइड हो सकती है, लेकिन वो साथ में होटल भी देते हैं और आपको मील भी देते हैं। सो गाइस, दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं और एजेंट को कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करके जाएं आपने क्या डिसीजन लिया और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर निकला। अगर आप एजेंट से टिकट बुक करवाते हैं तो फिर भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो वाले व्लॉग्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं शॉपिंग के ऊपर, और थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग टिप्स भी आएंगी एंड मच मोर व्लॉग्स आएंगे हमारे ट्रैवल के। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।